हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक बड़थवाल। आज मैं आपको यात्रा के दर्शन करा रहा हूँ, जिस ये है माता वैष्णो देवी के दर्शन। और ये हमने अभी चढ़ाई स्टार्ट की है, ये आप देख सकते हैं क्या भव्य रास्ता बना दिया गया है। ये दूसरा रास्ता है, बेसिकली नया रास्ता, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लैट है, किस तरीके से काम हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा यहाँ पे कर दिया है सरकार ने, ताकि 24x7 यात्रा ये जारी रहे बिना किसी बाधा के। तो जोर से बोलेंगे जय माता दी। तो चलिए चलते हैं। वो जो आपको चोटी में मंदिर सा दिख रहा है, वो है अर्धकुमारी। अर्धकुमारी भी माना जाता है कि आधा रास्ता कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे गरबा जोन भी है। तो माता जहाँ पे 9 महीने के लिए निवास की थी, जब भैरव ने उनका हाथ पकड़ लिया था और लड़ाई के लिए ललकारा था, तो माता कटरा से निकल पड़ी थी और गरबा जोन में ही 9 महीने रुकी थी। तो अभी हम मात्र 3 किलोमीटर चले हैं, और वो जो आप देख रहे हैं पुराना रास्ता है या पुराना मार्ग है, और हम अभी हैं नए मार्ग पे। तो चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये है लंगर, यहाँ पे कराया जा रहा है लंगर श्रद्धालुओं को। ये अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर के पश्चात है, और ये आप देखिए क्या छवि है, जबरदस्त चित्रण। लंगर करने के बाद लंगर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट था। दाल चावल और स्पेशल अचार था। मुझे तो पहले वो कद्दू और जैसे पेठा भी कहते हैं, उसकी खटाई सी लगी, लेकिन बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया। श्रद्धालुओं के लिए जो ये किया जा रहा है श्राइन बोर्ड की तरफ से, बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुण्य का काम है। और सभी अपनी अपनी हिसाब से यहाँ पे लोगों ने दान दक्षिणा भी अच्छी कर रही है, जो कि करना चाहिए। तो जब हम अपने धर्म के प्रति और मतलब इस तरीके के धार्मिक स्थलों पर योगदान करेंगे, तभी इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट। दूसरी अच्छी खूबसूरती दिखाता हूँ इस रास्ते की, कि आपको यहाँ पे मेडिकल यूनिट दिखती है ताराकोट की। तो कितना अच्छा साफ़ सुथरा मेडिकल यूनिट स्टाफ है यहाँ पे, और क्या बेहतरीन व्यवस्था है। श्रद्धालुओं किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है छोटी मोटी, तो फर्स्ट एड की तरह से एक सहायता। शेरावाली का बोलो साचे दरबार की जय, जय हो माता दी। तो अभी हमने लंगर चखने के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई हमने यहाँ पे चढ़ ली है, और यहाँ से अब अप्रॉक्सीमेट 3-3.5 किलोमीटर अर्धकुमारी है, जो गरबा जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो रुकते रुकते थकते थकते जय माता दी बोलते बोलते हम अपनी ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और विश्वास है कि माता के दर्शन सबको होंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलिए चलते हैं और जपते रहते हैं। कहता है कि दुर्गम पहाड़ियों में पुष्प वर्षा नहीं हो सकती। आप ये देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, कोमल कोमल फूल खिले हैं माता रानी के इस पावन
पथ पर। तो ये कुछ ना कुछ हमें ये सिखाते हैं कि हर जटिल से जटिल परिस्थिति में कोई भी चीज़ उत्पन्न भी हो सकती है और सर्वाइव भी कर सकती है, बशर्ते आपकी एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए और माता रानी पे विश्वास होना चाहिए, तो आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। बोलो साचे वाली माता रानी तेरी सदा ही जय, बोलो शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय, जय माता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपने मधुमक्खियों के छत्ते तो कई देखे होंगे, बट ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लगा। देखिए बिल्कुल फुटबॉल जैसा लग रहा है, जिसमें मधुमक्खी के जैसे आकार की बड़ी बड़ी मधुमक्खियां हैं जो आ रही हैं बैठ रही हैं। चढ़ाई और रुकते रुकते जय माती बोलते बोलते हम आखिर अधकुंवारी पहुँच ही गए हैं। ये जंक्शन पॉइंट है पुराने और नए दोनों रास्तों का, तो उधर से पुराने रास्ते से श्रद्धालु आ रहे हैं और नए रास्ते से श्रद्धालु आ रहे हैं। तो अभी हम अधकुंवारी में पहुँच गए हैं। ये 0 किलोमीटर का जो अधकुंवारी का बोर्ड है ये यहाँ से दिखाता है कि हम अधकुंवारी पहुँच गए, जय माता दी। तो यहाँ से अब भवन की ओर कोई रास्ता है और ये है अधकुंवारी की ओर को रास्ता। तो जिसे अधकुंवारी जाना है वो यहाँ अधकुंवारी को जा सकता है। तो मैं अभी अधकुंवारी की ओर जा रहा हूँ, जिसे गर्भजून भी कहते हैं, और देखता हूँ क्या आज अभी नंबर मिल सकता है। जय माता दी, 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 जय माता दी। दोस्तों अर्धकुमारी आके मैं यहाँ पे गर्भाजुन गुफा का जो रास्ता है, मंदिर का रास्ता है, जिस बारे में मैंने आपको रास्ते में बताया था, तो उसके दर्शन के लिए यहाँ पे काफ़ी लंबी तादाद है और काफ़ी लंबी लाइन लगी है। 12 घंटे की वेटिंग चल रही है। तो मैंने तो ये अपना नंबर लगवा लिया है, एक जो मुझे ग्रुप मिला है वो 685 मिला है, और 12 घंटे की वेटिंग मानो कल सुबह 5 बजे तक मेरा नंबर आएगा। तो अभी हम चलेंगे जो मुख्य भवन है माता का, और सुबह आते वक्त वापसी के समय हम यहाँ पे गर्भाजून गुफा का दर्शन करेंगे। चलिए अभी तो अंदर गुफा का दर्शन पॉसिबल नहीं है, तब तक मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। और जो भक्तों की यहाँ पे तादाद है वो आप देखिए, कितनी मान्यता है इस मंदिर की, और माता के कितने भक्त यहाँ पे आए हुए हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, सभी कई कई दूर कितने कितने लोग देशों के कितने कितने विभिन्न स्थलों से आए हुए हैं। और ये मान्यता ही है माता की कि वो अपने भक्तों को समय समय पर बुलाती रहती है और अपने चमत्कार उनके साथ होते रहते हैं। तो बोलिए शेरा वाली माता की सदा ही जय, जय माता दी, जय माता दी,
जय माता दी। तो ये है वे टू भवन, भवन का रास्ता जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि हमें यहाँ से जाना है। तो दोस्तों, अर्धकुमारी पहुँचने के बाद मैंने जो पर्ची कटा ली है और अब मैं आपको यहाँ से आसपास का व्यू दिखाता हूँ, क्या बेहतरीन व्यू है। ये जो रास्ता है, इस रास्ते से मैं वापस जाऊँगा मुख्य भवन की तरफ और ये आप दर्शन कीजिए अर्धकुमारी का। देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे मैं अभी यहाँ पे हूँ। अप्रॉक्सीमेटली भी तो मैं कम से कम 1500 से 2000 फीट ऊंचाई पे मैं हूँ यहाँ पे अभी मुख्य तल से। वैसे समुद्र तल से ऊंचाई तो आई डोंट नो क्या होगी। ये आप देखिए, कंठन पर साजे मे गौरी। सागरे मोती टिक चंद्र दिवाकर, टिक चंद्र दिवाकर चन नैना, चन नैना दिन मद माती, ओम जय अम्बे गौरी। तो दोस्तों, तो अब पूरी यात्रा करने के पश्चात हम लौट रहे हैं कटरा की ओर। अर्धकुमारी में इस बार माता के इच्छा से हमें गर्भजून के भी दर्शन हो गए, जो कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं क्योंकि 12-12 14-14 घंटों की वहाँ पे जो है लाइन लगी होती है और वेटिंग लगी होती है। तो हम कल जब हम जा रहे थे सुबह शाम के टाइम 4 बजे के अप्रॉक्स हमने लाइन लगा दी थी और आज सुबह 7:30 बजे से हमें 8 बजे तक दर्शन हो गए पर्ची कटा के। ठीक है, तो अभी देख सकते हो आप, हमने 12 घंटे में सारी चढ़ाई, जो भी माता के आशीर्वाद से सारी जितनी भी भवन की यात्राएं थी सारी चीज़ें कर ली और सभी काफ़ी खुश हैं कि यात्रा काफ़ी हद तक सफल रही। हालांकि सब काफ़ी थक गए हैं और ये जो छोटी सी बच्ची दिख रही है, ये देखो यसु, ये यसु ने बहुत साथ दिया। हालांकि मजे भी इसी ने लिए सारे, लेकिन इसने साथ बहुत दिया। ये बच्ची बहुत अच्छी है और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और आप देख सकते हो व्यू का मज़ा ले रहे हैं। सुबह सुबह आरती का टाइम चल रहा है। आप सुन सकते हो मंत्र वगैरह चल रहे हैं। तो मेरी यात्रा तो इस बार की काफ़ी अच्छी रही। माता आप सभी को भी जल्दी अपने दरबार बुलाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हिंद, बाय बाय।